अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं पंजाबी समोसे। ये 16 आलू छोटे छोटे मैंने बॉईल करके प्रेशर कुक करके छील के काट दिया है। यह है 1/4 टीस्पून कलौंजी, 1/4 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून भरकर सौंफ, आमचूर पाउडर, नमक लेना है, लाल मिर्ची पाउडर लेना है और धनिया पाउडर। आधा कप तेल मैंने गरम कर दिया है, फ्लेम स्लो कर दिया। अभी कलौंजी और सौंफ और आमचूर पाउडर मैंने डाल दिया है। इसके बाद मैं डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, नमक। इसको मैं हिला लूँगी। पांच हरी मिर्चियाँ काट के मैंने इसमें डाल दी हैं, 1 टीस्पून। एक टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट भी डाल रही हूँ। एक टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट डालकर मैंने हिला लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे आलू। आलू मैंने इसमें डाल दिया है, मिक्स कर दिया है। अगर आपको मैश चाहिए आलू तो आप मैश कर लो मैशर से। मैं थोड़ा थोड़ा दबा रही हूँ बस चम्मच से ही। आधा कप हरा धनिया भी मैंने इसमें काट दिया है, जिसको मिक्स कर लेना अच्छे से। और तेल आपको अगर कम लेना है तो आप कम भी ले सकते हो इसको बघारने में। और बघारने में ही हरी मिर्ची हमको डाल देना है। अगर आप इसमें मटर भी डालना चाहे तो बॉइल्ड मटर आलू के साथ डाल सकते हो आप। बस ये रेडी है, अब हम गैस ऑफ कर देंगे। नमक भी मैंने मसाले के साथ डाल दिया था, लाल मिर्ची धनिया पाउडर के साथ। अगर आपके पास पुदीना भी है तो पुदीना भी काट कर डालिए, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आधा किलो मैंने मैदा लिया है छान के, और इसमें डाल दिया है 1 टीस्पून अजवाइन और 1 टेबलस्पून घी। अब इसको मैं पानी से गूंद लूँगी। देखिए पानी डालकर इसको गूंद देना है, लेकिन सख्त आटा गूंदना है, कड़क आटा गूंदना है। आटा मैंने गूंद दिया है, आटा मैंने इतना बेल बना लिया है, इसके पेड़े बना दिए हैं यही साइज के। इसके ऊपर तेल लगा के, आगे पीछे तेल लगा के इसको बेलूंगी। ज़्यादा तेल लगाकर पतला मैंने बेल दिया है। अब इसको मैं बीच में से काट रही हूँ। आटे का पेस्ट मैंने बना दिया है ताकि समोसे खुले नहीं, पानी लगाने से भी समोसे खुल जाते हैं, आटे का पेस्ट बेस्ट रहेगा, इसलिए मैंने आटे का पेस्ट बना दिया है। आधे हिस्से को ले रही हूँ। सबसे पहले ये हिस्सा मैंने फोल्ड कर दिया, ये आटे का पेस्ट लगा दिया इधर। और दूसरे हिस्से को उस पर चिपका दूंगी मैं, इस तरह से चिपका के अंदर तक चिपका देना है, कोन शेप में बना देना है इसको। और ऐसे लेकर स्टफिंग डालना है इसमें। देखिए मैंने स्टफिंग डाल दी है, वापस से आटे का लेप जो है इस पर लगा के मैंने इसको दबा दिया है दूसरे हिस्से को साथ में। देखिए इसी तरह से सारे बना देना है। देखिए इतने मैंने समोसे बना दिए हैं। तेल गरम करके मैंने समोसे डाल दिए हैं, अब मैं इनको स्लो फ्लेम पे डाल रही हूँ। एक तरफ से गोल्डन भुन चुके हैं, मैं इनको टर्न कर रही हूँ। दूसरी साइड से भी गोल्डन हो चुके हैं, मैं इनको निकाल रही हूँ। अब मैं इनको निकाल रही हूँ। पंजाबी समोसे तैयार है,
अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।